दोस्तों, अगर आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं और आप अपनी वीडियो को मोबाइल से शूट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इस पे नहीं मिल पाती है। आप अपनी वीडियो को तो शूट कर लेते हैं लेकिन उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो फ्रेम रेट होना चाहिए, जो बिट रेट होना चाहिए, जो एक्सप्लोजर होना चाहिए और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको एक जगह नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आप जो भी अपनी वीडियो शूट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया के लिए, जैसे आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या आप इंस्टाग्राम की कोई वीडियो बना रहे हैं या आप फेसबुक पेज के लिए अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आपके मोबाइल में ओपन कैमरा का होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको वो सारी सेटिंग मिल जाती है, जैसे एक्सप्लोजर सेटिंग, आपको रिवोल्यूशन कम करना है वो भी मिल सकता है, आपको बढ़ाना घटाना है रिवोल्यूशन वो भी मिल जाएगा, फ्रेम आपको सेट करना है वो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको बिटरेट की सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इन सेटिंग के बारे में नहीं पता है तो आप इन सेटिंग को इनेबल कैसे करें? सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ओपन कैमरा की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं और वो सभी सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपनी वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हैं, जिसमें आपकी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपके व्यूवर्स को आपकी वीडियो खासा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको ओपन कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही ओपन कैमरा से वीडियो बनाता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि साथ में इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकेंगे बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस डिटेक्शन है, यानी कि आप जब वीडियो बनाएंगे और आप यहाँ पे टाइमर लगाएंगे तो आपका जो फेस होगा वो डिटेक्ट करेगा यहाँ पे। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये जो भी फोकस होगा इसका आपके फेस पे होगा, तो इसके लिए आप इस चाहे तो ऑन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया है, टाइमर पे आप क्लिक करके आप अपनी वीडियो के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं, यानी कि पहले आप चाहे तो ट्रायल लेने के लिए आप देख सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो फुल एंड फाइनल वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो आप अपने हिसाब से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड का टाइमर फिक्स कर सकते हैं कि आपको जब भी आप अकेले हो, दूर खड़े हो वीडियो को शूट करने के लिए, तो एक टाइमर फिक्स कर सकें, उस टाइमर के बाद आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड चीज़ आपका यहाँ पे आता है रिपीट ऑफ, आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि जब वीडियो आपकी क्लोज हो जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ से ऑन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इस सेटिंग को इनेबल करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं मेन सेटिंग आपको बताऊंगा, यानी कि वही सेटिंग आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपकी वीडियो को अच्छी बना सकती है, जो कि रिवोल्यूशन और क्वालिटी के मामले में आपके रियल कैमरे से बेटर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फोटो एंड वीडियो सेटिंग, तो आप यहाँ पे वीडियो सेटिंग करेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो वीडियो सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है वीडियो रिवोल्यूशन, यानी कि जब भी आप अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स रिवोल्यूशन होना चाहिए, कि अगर आप यूट्यूब वीडियो के लिए बना रहे हैं तो आपको 1280x720 पिक्सल की वीडियो होनी चाहिए, यानी कि रेशियो में जो उसका है 16:9 की रेशियो सेलेक्ट होनी चाहिए। बाकी आप चाहें तो 4K में, फुल HD में, उसके हिसाब से आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो को अलग अलग मोड में शूट कर सकते हैं। तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको यहाँ पे कलर रेशियो 9 की जो पिक्सल है वो सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आता है वीडियो का फॉर्मेट, आपको वीडियो का फॉर्मेट किस में है, तो इसमें आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो आपको ड्यूरेशन को यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, फाइल की साइज़ जो है वो भी आपको यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन दिया है, आप इसे ऑन कर देंगे, आप चाहे तो एक्सटर्नल माइक का यूज़ करते हैं तो
आप इनेबल करके रखेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया है ऑडियो सोर्स, तो ऑडियो का जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। तो अगर आपने एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है, आपने कुछ भी लगाया हुआ है ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस कॉल या अनप्रोसेस किया हुआ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने माइक को। अगर आपने लगाया है, यानी कि जो भी यूट्यूबर होते हैं वो माइक का यूज़ ज़्यादातर करते ही करते हैं, मतलब 99% करते हैं, तो वो यहाँ पर एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यानी कि जो भी बोया का माइक आपने लिया है, तो आप जब उसे कनेक्ट करेंगे तो आप यहां पे एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों, ऑडियो का सोर्स जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, जब भी आपकी वीडियो आप शूट करेंगे तो आपकी वीडियो हिले ना या उस पर कोई ब्लर जैसा ऑप्शन ना आए, तो उसके लिए आप इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो। तो इसे आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। वीडियो का सबटाइटल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ जो आपकी आती है बिट रेट, तो बिट रेट आपका कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस बिट रेट में आपकी वीडियो की क्वालिटी जो हो अच्छी हो, लोगों को देखने में बढ़िया लगे, तो यहाँ पे मैंने 8 Mbps का सिलेक्ट किया हुआ है, आप भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का फ्रेम रेट कितना होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से रखते हैं, क्योंकि मैं रखता हूँ अपना यहाँ पे 30 फ्रेम रेट सेकंड में जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है देखने में। आपने मेरी वीडियो देखी भी ऑलरेडी, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, मैंने बहुत लोगों से फीडबैक भी लिया है इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि नहीं आपकी वीडियो की क्वालिटी बेटर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 30 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लैश है वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, यानी कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपके फेस पे फ्लैश होगा, तो ऑलरेडी अगर आपके पास लाइट वगैरह है तो इसका ऑप्शन सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे अगर आप फोटो वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं, फ़ोटो की सेटिंग भी आपको दिया हुआ है, सेम वही सेटिंग है जैसे आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद दो तीन और सेटिंग हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ से आप चाहें तो इसका रिवोल्यूशन यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइमर को ऑफ ऑन कर सकते हैं, स्पीड जो आप चाहें तो स्लोमो भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे पीछे आप कर सकते हैं स्पीड को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाहें तो आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहीं से और भी सेटिंग्स आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 पे सेट करके रखा हुआ है, और सेट करने के बाद जो एक्सप्लोज़र है वो आप यहाँ से फेस को डिटेक्ट जो करेगा, इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं, तो एक्सप्लोज़र जो है वो आपका लॉक हो जाएगा जो कि आपके फेस को डिटेक्ट करेगा। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये थी 3-4 सेटिंग जो बहुत नॉर्मल सेटिंग है जो आपको आनी चाहिए, ओपन कैमरा की जो सेटिंग है वो आपको आनी चाहिए, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है पहले से बेटर हो जाए। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है जूम का, जूम इन आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूं कि जो मैं अभी शूट करके दिखाऊंगा आपको और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों जो भी आप वीडियो ये देख रहे हैं वो मैं अपने ओपन कैमरा से शूट कर रहा हूं, और जो भी मैंने सेटिंग्स इनेबल की है वो सभी सेटिंग्स अभी इनेबल है। तो आप देख सकते हैं जो ये रिवोल्यूशन या एक्सप्लोजर हो रहा है वो ओपन कैमरा का ही कमाल है। तो आप भी ऐसे ही अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।